देखो, जैसे ये हम लोगों ने साइन की पावर एन के इंटीग्रेशन का एक फार्मूला बना लिया, ठीक है। देखो, जैसे मान लो अगर हमें ये क्वेश्चन दिया जाए, हमें साइन की पावर 5x का इंटीग्रेशन करना हो, है ना, मान लो। तो अब देखो, हम इस क्वेश्चन को करने, ऐसे मान लीजिए ये क्वेश्चन हमें दे दिया जाए, है ना। तो देखो, एक तरीका तो ये है इसे करने का कि आपने इस क्वेश्चन में जो प्रोसेस यूज़ किया उस प्रोसेस को लगाइए, है ना। मतलब आप इसको ऐसे लिखिए, साइन की पावर 4x इंटू साइन एक्स, और उसके बाद आप इसमें फर्स्ट सेकेंड का फार्मूला यूज़ करिए, है ना। एक तरीका तो ये है कि आप इस प्रोसेस यूज़ करिए। दूसरा तरीका देखो ये है कि जैसे आप इस प्रोसेस को ना करिए, बल्कि साइन की पावर एन का फार्मूला आप निकाल लीजिए। देखो, ये फार्मूला याद कर पाना पॉसिबल नहीं है। जैसे कोई बच्चा ये कहे कि मैं इसको याद कर लूँगा, तो ऐसे आप कितने फार्मूले याद करेंगे, क्योंकि साइन की पावर एन है, कॉस की पावर एन, टेन की पावर एन, है ना, कॉट सेक्स सब की पावर एन है, तो कहाँ तक हम याद करेंगे। तो इसलिए पहले क्या करोगे आप, साइन की पावर एन का इंटीग्रेशन इस प्रोसेस से कर लो, है ना। सबसे पहले देखो, साइन की पावर एन का आप ये फार्मूला एक बना लो, और फार्मूला बनाने के बाद देखो आप क्या करोगे कि इसमें एन की जगह पर 5 ले लो, है ना, एन की जगह पर 5। देखो, अगर हम एन की जगह पर 5 लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 1/5 ब्रैकेट में, देखो, माइनस साइन की पावर 4x और कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन। मतलब देखो, ये हो गया 4 और आई एन माइनस टू, आई एन माइनस टू का मतलब हो गया साइन की पावर 3x का इंटीग्रेशन, है ना। हम क्या करेंगे, देखो, इस फार्मूले में एन की जगह 5 रख देंगे। एन की जगह 5 रखने का मतलब 1/5 माइनस साइन 4x कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा 4, और साइन पावर 2 कम की तो पावर 3 हो जाएगी। देखो, यहां पर ध्यान दो, ठीक। अब देखो, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन हम करना जानते हैं। मैंने आपको शुरू में सिखाया था कि इसमें साइन 3x का फार्मूला लगाते हैं और साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन हम उससे कर लेते हैं। तो साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना हम जानते हैं। यहां पे काम ये कर सकते हो कि साइन क्यूब एक्स के इंटीग्रेशन को करने के लिए भी आप इसी फार्मूले को फिर से यूज कर दो, क्योंकि ये फार्मूला तो एन की सारी वैल्यूज के लिए है, चाहे वो वैल्यू छोटी हो चाहे वैल्यू बड़ी हो, बस एन की पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू के लिए फार्मूला वैलिड है। तो आप एन को 3 ले लो तो क्या हो जाएगा, 1/3। एन को 3 लोगे तो क्या हुआ, माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस एक्स, और एन को 3 लोगे तो देखो ये हो जाएगा 2, और इंटीग्रल ऑफ क्या हो गया बोलो, साइन एक्स डी एक्स हो गया, ध्यान दो, है ना। क्योंकि देखो, पावर 2 कम करोगे, पावर 2 कम करने का मतलब क्या हो गया बोलो, साइन एक्स हो गया, ठीक है। तो एन की वैल्यू 3 पुट करके देखो, हमने यहाँ पर ये फार्मूला यूज कर, देखो यहाँ पर क्या हुआ, 1/3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस का 2 कॉस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ रखा जाए, तो 1/5 माइनस साइन की पावर 4x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन क्यूब का, देखो ये इंटीग्रेशन यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा क्या बोलो, 4/3 ब्रैकेट में माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स और माइनस 2 कॉस एक्स और ब्रैकेट क्लोज और प्लस सी। ये हमारे क्वेश्चन का देखो यहाँ से फाइनल आंसर आ गया, है ना। देखो, 1/5 यहाँ पर है, माइनस साइन 4x कॉस एक्स, ठीक है, प्लस 4 यहाँ था, और इसका देखो ये इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर रखा, 1/3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी, हमारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के देखो, जो बड़ी बड़ी पावर वाले इंटीग्रेशन होते हैं, देखो उस समय मैंने आपको सिखाया था साइन का कैसे करना है, साइन स्क्वायर का कैसे करना है, साइन की पावर 3 का कैसे करना है, इवन साइन की पावर 4 का भी मैंने आपको सिखाया था। लेकिन अब हम साइन की पावर 4 का इंटीग्रेशन भी इस फार्मूले से कर सकते हैं, यहाँ तक कि साइन की पावर 3 का भी कर सकते हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या है, जैसे अगर सिर्फ साइन की पावर 3 दिया होता तो अब उसके लिए पहले आप इस फार्मूले को प्रूफ करें, फिर एन की जगह 3 पुट करें, तो लॉन्ग प्रोसेस है,
है ना। तो साइन की पावर थ्री अगर अकेला ही दिया जाए तो आप साइन थ्री एस के फार्मूले से ही करिए। हाँ, अब साइन की पावर फाइव का करना है, अब उसमें थ्री अपने आप ही आएगा तो थ्री का ऐसे करना पड़ेगा। या मान लीजिए जैसे आपको साइन की पावर सिक्स का इंटीग्रेशन करना हो, तो साइन की पावर सिक्स का जब आप करोगे तो उसमें अपने आप ही यहाँ पर साइन की पावर फोर आ जाएगा, है ना। तो आपको साइन की पावर फोर का इंटीग्रेशन करना होगा, और साइन की पावर फोर को करने के लिए फिर आप इसी फार्मूले को यूज़ कर सकते हो। तो जब साइन की पावर फोर में लगाओगे ये फार्मूला तो अपने आप ही साइन की पावर टू बचेगा, और साइन की पावर टू का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखो ध्यान दो ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब इस तरीके से ही हम लोग कॉस की पावर एन का भी देखो फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। लिखो जरा बच्चों यहाँ पर ध्यान से पहले इसको।